हेलो एवरीवन, मस्त श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइस, आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, यू आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल सी भी खास सी वीडियो होने वाली है। एंड वीडियो है एक फीमेल पायलट है जिन्होंने इस्लाम कन्वर्ट कर लिया है। तो देखते हैं वो पहले किस रिलीजन से थी एंड उन्होंने क्या देखा और क्यों इस्लाम में वो आई। एक रिवर्टेड मुस्लिम की स्टोरी आज हम सुनेंगे। तो देखते हैं भाई इसको वीडियो को और फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। देखते हैं उनको क्या चीज इस्लाम के बारे में अच्छी लगी, उनका क्या नजरिया था, मतलब क्या एक्सपीरियंस है अब इस्लाम में आके। इसको करते हैं प्ले। My name is Aisha Jibril Alexander. I grew up in a Roman Catholic family. My basic schooling was also Catholic. Christian. I was always very interested in knowing about religion and always questioned the dogmas of the Catholic faith. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. Dosto, mera naam hai Muhammad Anas aur aap dekh rahe hain Rahe Jannat Official. दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ एक नौ मुस्लिम की स्टोरी लेकर आते हैं जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह से आज भी हम एक ऐसे ही खातून के कबूल इस्लाम की स्टोरी लाए हैं जिसे सुनकर आपको अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र होगा और आप भी सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें और आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम आयशा जिब्रील है और मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैं कैसे दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। मैं कोलम्बिया में पैदा हुई और मजहब के एतबार से मैं रोमन कैथोलिक खानदान से ताल्लुक रखती थी। मुझे बचपन से ही मजहब के मुतालिक जानने का बहुत शौक था। मैं बचपन से ही अपने मजहब और अकीदे के मुतालिक बहुत सवाल पूछती थी, मगर जब मैं मजहब के मुतालिक बुनियादी अकायद पर सवाल उठाने लगी तो मुझे ये कहकर खामोश कर दिया जाता कि तुम्हें इसके बारे में सवाल नहीं पूछना है बल्कि तुम्हें ईमान लाना है और अकीदे पर सवाल उठाना जुर्म है। बस मेरे दिल में खौफ बैठ गया कि कहीं मैं अपने सवालों की वजह से मुजरिम ही ना बन जाऊं और इस खौफ से मैंने सवाल पूछना छोड़ दिया। जब मैं 19 साल की हुई तो हमारी फैमिली हिजरत करके अमेरिका आ गई और यहाँ मुझे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मुलाजमत भी करनी पड़ती थी क्योंकि मेरे वालिद हमसे अलग हो चुके थे और मेरी वालिदा अकेले ही घर चलाती थी। इसलिए मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तालीम के साथ साथ मुलाजमत भी करनी पड़ी ताकि वालिदा पर माली ज़रूरियात के बोझ को कम कर सकूं। यहाँ मुझे पहली मर्तबा इस्लाम से आगाही उस वक्त मिली जब मेरी मुलाजमत एक ऐसी कंपनी में हो गई जिस कंपनी के मालिक मुसलमान थे और उनका ताल्लुक इंडिया से था। उनके कारोबार का दायरा कार भी इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में था। बहरहाल मैंने मजहबी मालूमात में ज़्यादा उलझने के बजाय अपनी तालीम और अपने करियर को ज़्यादा फोकस किया। मैंने ईसाइत पर भी काफ़ी हद तक अमल दरामद कम कर दिया था और मैं सभी अकायद पर भी अब ज़्यादा सवाल नहीं पूछती थी। 21 साल की उम्र में मेरा एडमिशन एक एविएशन स्कूल में हो गया और ये मेरा बचपन का सपना था, यानी पायलट बनना। मेरी वालिदा की उम्र 61 साल हो चुकी थी और मेरी नानी की उम्र 93 साल थी। मैंने वालिदा से मुलाजमत तर्क करने को कह दिया था और खुद घर की जिम्मेदारियां उठाने लगी। मैंने 24 साल की उम्र में तमाम इम्तिहान पास करके पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। इन सारे गुज़िश्ता सालों में मेरा फोकस सिर्फ मेरा करियर था और मैं मजहब से बहुत दूर हो चुकी थी। मेरी जिंदगी में चर्च जाने की फुर्सत ही नहीं थी। फिर मेरी शादी हो गई और ये मेरा जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। मेरा शौहर बहुत ज्यादा घरेलू तशद्दुद करता था और आखिरकार 2 साल बाद ही मैंने उससे तलाक ले लिया, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से एक बेटा दिया था। इन सब गुज़िश्ता सालों में मुझे बतौर पायलट कई ममालिक के सफर करने का मौका मिला। मैं अक्सर फ्लाइट के साथ अमरीका से साउथ अफ्रीका और मलेशिया जाती जहाँ कई मुख्तलिफ मजाहिब हैं और कल्चर को जानने का मौका मिला, खास तौर पर मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में 3 मुख्तलिफ मजाहिब और कल्चर हैं। अगरचे मलेशिया एक मुस्लिम मुल्क है मगर यहाँ बुद्ध मत और हिंदू मजहब के लोग भी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इस दौरान मैंने कई एयरलाइन कंपनियां बदली और जब भी मैं एयरलाइन बदलती मेरा ट्रेवल रूट भी बदल जाता। बहरहाल मैंने एक बेहतर और एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया तो मेरा अक्सर सफर यूरोप और मिडिल ईस्ट में रहने लगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एविएशन की फील्ड में ख्वातीन पायलट की तादाद न होने के बराबर है। यही वजह थी कि जब भी किसी मुल्क के सफर पर जाती तो मुझे मर्दाना स्टाफ से हटकर अलग कमरा मिलता और मैं खुद को फ्लाइट के बाहर होटल में बिल्कुल अलग थलग और तन्हा महसूस करती। और अब मेरे पास मुताले के लिए भी बहुत सा फारिग वक्त होता था।
मुझे अपने काम के दौरान सबसे ज्यादा खुशी मिडिल ईस्ट के इस्लामी ममालिक में मिलती, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल बहुत ही पुरसुकून और पुरअमन लगता था। खास तौर पर यहाँ 5 वक्त नमाज के लिए अजान दी जाती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। मैं जब भी मिडिल ईस्ट के ममालिक जाती तो फारिग औकात में मस्जिद का विजिट करती और मुझे मस्जिद का माहौल बहुत पसंद था। मुझे याद है जब मैं पहली मर्तबा दुबई में थी तो पहली मर्तबा मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं एक मिनी शर्ट और जीन्स पहने हुए थी। वहाँ मस्जिद में जाकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा लिबास इस जगह के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था। उसके बाद से मैं जब भी मिडिल ईस्ट के लिए फ्लाई करती तो अपने साथ ढीले ढाले और लंबे लिबास रखती ताकि मस्जिद का विजिट कर सकूं। अगरचे मैंने बुद्ध मत, हिंदू मत और ईसाइत का भी बहुत मुताला किया था, मगर मुझे जो सुकून और जो इत्मीनान इस्लाम में मिला था वो कहीं और नहीं मिलता था। मैंने महसूस करना शुरू किया कि अगरचे मैं माली एतबार से बहुत अच्छा करियर बना चुकी थी, मगर मैं अंदर से खुदा की मोहब्बत और खुदा के ताल्लुक से खाली थी। क्या मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं पैसा कमाऊं और फिर जरूरियातें जिंदगी में खर्च करूं और बिल अदा करूं? मेरे अंदर से ये सवाल पैदा होता था और मुझे हमेशा इसका जवाब यही मिलता कि नहीं, ये जिंदगी का असल मकसद नहीं है। मैंने महसूस किया कि अल्लाह मेरी जिंदगी के दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा था और मैं दरवाजा बंद किए बैठी थी। वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था और मैं अल्लाह की पुकार सुनकर भी अनजान बनी बैठी थी। फिर वो वक्त आ गया जब मेरे दिल से आवाज आई कि मेरे लिए इस्लाम ही बेहतरीन रास्ता है। ये वो वक्त था जब मैं मिडिल ईस्ट में थी और अचानक अजान शुरू हो गई। अजान सुनते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर आई और मैंने अपने बराबर बैठे को पायलट से छुपाने के लिए काला चश्मा लगा लिया। The moment I said Islam was for me, it was in the Middle East. When I heard the call for praying, they call it azan, at that moment I had to cover my eyes with my sunglasses in front of the other pilots that were with me on the way to the restaurant because my eyes covered with tears. I felt like saying, stop, I have to join this pray. I still remember one of them making fun of the songs of the Quran. हम होटल में बैठे खाना खा रहे थे। मेरा दिल मुझे कह रहा था कि उठो और नमाज के लिए जाओ, मगर मैं बैठी हुई थी कि मेरे साथी पायलट ने अजान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि कुरान का सॉन्ग चल रहा है। मैंने उससे कहा, जाहिल इंसान खामोश रहो, तुम नहीं जानते ये अल्लाह की पुकार है और खुदा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। मैं डिनर छोड़कर कमरे में आ गई। मिडिल ईस्ट में होटल के हर कमरे में एक जायनमाज दी जाती है। मैंने जायनमाज बिछाई और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई। मैं सजदे में रो रही थी और कह रही थी कि ऐ अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। उसके बाद से मैंने इस्लाम के मुतालिक अपनी तहकीक और मुतालिया और ज्यादा कर दिया। मैं पहले से भी सच्चाई की तलाश में थी, मगर मेरी तलब में ऐसा जोश और वलबला पहले कभी नहीं था। 3 महीने बाद एक दिन मैं लंबी फ्लाइट के बाद अर्जेंटीना के होटल में थक कर आराम कर रही थी कि मैंने सोशल मीडिया पर एक ऑर्गेनाइजेशन देखी जो कि नॉन मुस्लिम को इस्लाम समझने और इस्लाम कबूल करने की तरफ रहनुमाई करती थी। उस तंजीम का ताल्लुक साउथ अमेरिका से था और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सिर्फ मैं ही इस्लाम की तलाश में नहीं थी, बल्कि मेरी तरह के बहुत सारे हस्पानवी लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे थे। फिर 3 महीने के बाद मेरा दोबारा रूट अर्जेंटीना के लिए बना, तो मैंने उस तंजीम के शेख साहब से रابطہ किया और उनसे मुलाकात का वक्त तय करके मस्जिद में उनसे मिलने गई। मैं उनके पास तकरीबन 3 घंटे बैठी रही और उनसे इस्लाम के मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ें पूछती रही। 3 घंटे बाद जब मैं वापस आने लगी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस्लाम कबूल करना चाहती हो? मैंने कहा कि हाँ, अभी और इसी वक्त। मुझे डर था कि शायद मैं दोबारा अर्जेंटीना ना आ सकूं और ये मौका मुझे फिर दोबारा ना मिले। मैंने फौरन कलमाए शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। After arriving, I made an appointment and went to visit the masjid. I met with the imam, a person from South Arabia who leads the masjid. We talked for about 3 hours, and before I left, he asked me if I wanted to embrace Islam. I said right away, yes. I felt fear for not coming back to Argentina or maybe not to have that opportunity again. मैं शराब और सुअर का गोश्त 6 महीने पहले ही छोड़ चुकी थी। इन 6 महीनों में मैंने नमाज पढ़ना सीख ली थी। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने हिजाब और मुकम्मल जिस्म ढकने वाले लिबास पहनना शुरू कर दिए। मेरा बेटा 8 साल का हो चुका है, मगर मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी। वो अगर इस्लाम कबूल करना चाहे तो अपनी खुशी से करे। मेरी वालिदा ईसाइत पर ही कायम है। वो मेरे अंदर आने वाली मुस्बत तब्दीलियों से बहुत खुश हैं। वो हर रोज इस्लाम के मुतालिक मुझसे कुछ न कुछ पूछती और सीखती रहती हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगी। As far as my mother, she is Christian, but she said to be glad to my positive changes, and she is learning every day more and more about Islam, and she feels proud of me being a Muslim. And now that my son, 8 years old, had also revert by his own willing to Islam, she is happy that we are on this safe path seeing for God. Okay. My dreams as new Muslim are to study Islam sciences and help those families that are struggling with accepting the idea of converting to Islam. I want to focus on children coming to Islam. Dot. That's it. And please pray for me. मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो इनकी आवाज़ है वो है ना कुछ आई थिंक यूज़ करी गई है, इनकी खुद की ओरिजिनल आवाज़ नहीं बताई गई है ना, बट फिर भी यार खुद ये स्टोरी सुना रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तो हिम्मत होगी इनमें, और ऊपर से शायद इनका दिल कर रहा होगा कि मैं अपनी स्टोरी इनको सुनाऊं, तो वैसे इनकी स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी, अमेजिंग सी स्टोरी है कि मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इनके दिल में, कहाँ से वो फीलिंग है इस्लाम के लिए, एंड कहाँ पे इनका तकदीर वैसी बन गई कि इनका रोड ही भाई पूरा वो है जो सऊदी अरेबिया का हो गया, पहले तो ये बिल्कुल गरीब, लेकिन जिस तरह सब उसमें सब कुछ आ गया उनके पास, फिर भी कुछ खाली पन सा महसूस होता है भाई, बहुत बार होता है बंदों को, सब कुछ होने के बाद भी कोई ना कोई पार्ट हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जो हमें खाली महसूस होता है कि नहीं है सब कुछ आज, लेकिन ये पार्ट है जो खाली है। बट ये बात बहुत सही उसने करी कि अपने बेटे को उसने वो नहीं करा, क्या कहते हैं, फोर्स नहीं करा, फोर्स नहीं करा उस चीज के लिए ना। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, ये थी एक फीमेल पायलट की स्टोरी, ऐसे दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्टोरीज होती होंगी, कोई इंटरेस्टिंग ऐसी स्टोरी होगी तो जिसने कन्वर्ट करा होगा इस्लाम को हमें जरूर कमेंट करके बताना, हाँ उस पर रिएक्शन करेंगे, सुनेंगे भाई उनकी स्टोरी कैसे कैसे किस फीलिंग के साथ उन्होंने क्या सोचते थे क्यों कन्वर्ट किया जो भी था। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।